अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये घर की रखी हुई बेसिक सी चीज़ों के साथ ही बन के तैयार हो जाता है। तो ट्राई करके देखें, आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध की ज़रूरत होती है। तो दूध तो सभी के घर में ही आता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब हम इसके अंदर 2 कप दूध ऐड करेंगे। दूध फुल क्रीम वाला होना चाहिए, तभी ये डिज़र्ट बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए, दूध हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। अच्छा, तो दूध तो हमने डाल दिया, ये अच्छे से गर्म हो रहा है। जब तक हम देखिए इसमें कस्टर्ड पाउडर लेते हैं 2 चम्मच एक बाउल के अंदर। तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर से क्या है, ये पुडिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी। और इसमें 1/2 कप हमने दूध ऐड कर दिया, इसको अच्छे से घोल लेंगे, मतलब एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए और दूध हमें ठंडा ही लेना है इस समय। तो देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो 1/2 कप हमने दूध पूरा इसमें ऐड कर दिया है। तो टोटली हमारा कितना कप दूध लगा इसमें, 2 कप और 1/2 कप, मतलब 2.5 कप दूध लगेगा इसमें। तो देखिए, अब ये दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। तो 1/2 कप के करीब हमने इसमें शक्कर ऐड कर दी है। आप चाहो तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, 1/2 कप हमने शक्कर ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए, अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देते हैं और गैस की फ्लेम को इस समय हमें स्लो कर देना है, क्योंकि एकदम से कस्टर्ड थिक होने लग जाता है तो तली में ये लग जाएगा। तो लो फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से कुक करेंगे, जब तक कुक करेंगे जब तक हल्की सी थिकनेस ना आ जाए और अच्छे से इसमें उबाल ना आ जाए। तो देखिए, हमने सारा कस्टर्ड इसमें ऐड कर दिया है और इसको कंटिन्यू हाथ चलाते हुए इसको मिक्स कर, मतलब पकने देंगे। तो देखिए, अब क्योंकि अगर हम इसमें हाथ नहीं चलाएंगे ना, कोई कस्टर्ड का एकदम थिकनेस लाता है तो नीचे तली में लगना नहीं चाहिए। तो देखिए, इसमें एक उबाल आने लगे हैं, तो इसको इस तरीके से हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे लो फ्लेम पे, जिससे कि कस्टर्ड अच्छे से कुक हो जाए। कस्टर्ड अच्छे से कुक हो जाएगा तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, कितनी अच्छे से उबाल आ रहा है ना। तो इसी तरीके से हम 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे कुक होने देंगे, जब तक इसमें हल्की सी थिकनेस ना आ जाए। क्योंकि अगर हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है तो उससे थोड़ा थिकनेस आती है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लावर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन कॉर्नफ्लावर पाउडर में फ्लेवर नहीं होता, इसलिए आप उसके साथ वनीला एसेंस भी आप डाल सकते हैं 1/2 चम्मच के करीब। तो देखिए, इस तरीके से ये कस्टर्ड बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए साइड कर देते हैं। और देखिए, हमने 4 से 5 हमने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। अगर आपके यहाँ ब्रेड स्लाइसेस की साइड्स को बच्चे खा लेते हैं अच्छे से, तो आप उसकी साइड्स को ना निकालें, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं खा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसकी साइड्स को निकाल दिया है। और इन साइड्स को भी हमें फेंकना नहीं है, इसका आप ब्रेड क्रम बना लीजिए या कोई भी आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं उसके लिए ब्रेड क्रम बना के रख लीजिए, उसके साथ आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो आगे मैं इसकी रेसिपी और लिख के आऊँगी, आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो देखिए, हमने ब्रेड की साइड्स को हमने निकाल दिया है और अब इसके हम स्क्वायर पीसेस में हम इसको कट कर लेंगे। तो सारी ब्रेड स्लाइसेस इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं, तो अब हम इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही बड़ी बड़ी ब्रेड भी, मतलब पूरी साबुत ब्रेड को भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसके हमने इस समय छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। तो देखिए, हमने सारे पीसेस को हमने अच्छे से कट कर लिया। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे और इसमें थोड़ा सा हम घी ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून हमने घी ऐड किया है इसमें, क्योंकि हमें ब्रेड को डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना। अगर हम डीप फ्राई करते हैं तो काफ़ी सारा ऑयल सोक कर लेता है ब्रेड, तो इसलिए हमें इसको शैलो फ्राई ही करना है। और मीडियम फ्लेम पर ही हम ब्रेड को बहुत अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड टोस्टर है तो आप उसमें भी टोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पैन के अंदर घी डाल के हल्का सा ब्रेड को अच्छे से दोनों साइड से हमें सेक लेना है। 1 साइड हमने पैन के ऊपर घी लगा दिया था और फिर हमने ब्रेड के ऊपर लगा दिया। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड से ब्रेड के ऊपर अच्छे से घी लगाते हुए ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने ब्रेड को, सभी ब्रेड के पीसेस को हमने अच्छे से सेक लेना है दोनों ओर से। काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल देते हैं। तो देखिए, हमने सारे ब्रेड स्लाइसेस को हमने अच्छे से सेक लिया है इस तरीके से। और देखिए, अब उधर कस्टर्ड भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो
अब हम इस कस्टर्ड को देखो अब चेक करेंगे। देखिए इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई सी बन जाती है ना इस तरीके से, तो इसको हम पहले बहुत अच्छे से फेंट लेंगे जिससे क्या इसके अंदर स्मूथनेस आ जाए, क्योंकि हमने जितनी देर में ब्रेड सेकी थी उतनी देर में उसमें ढक के भी रख दिया था लेकिन फिर भी हो जाता है। तो या तो आप एक बार छलनी से छान भी सकते हो और या फिर आप इसको अच्छे से फेंट के विक्स के फिर उसके बाद पोर कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से सारा ही हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और फिर हमने देखिए थोड़े थोड़े हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए, फिर से हम इसको कस्टर्ड को इसी के ऊपर डाल देंगे सारा। तो आप चाहो तो पैन से ही डायरेक्ट डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता। तो मैंने इस समय काजू बादाम और पिस्ता ही ऐड किया है इसके ऊपर, तो जिससे क्या है कि मतलब ये पुडिंग बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इस पुडिंग को इस तरीके से बना के अच्छे से डेकोरेट करिए, बहुत मतलब आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए मेरे पास थोड़े से रोज पेटल्स रखे थे वो भी हमने ऐड डाल दिए हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा सा कलर ऐड हो जाता है और चांदी कवर भी लगा दिया। तो इससे क्या है कि डिज़र्ट देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो देखने जब देखने में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो खाने में तो और भी टेस्टी लगती है। तो आप इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका है और ये मन कर रहा है ना आपका भी खाने का। तो एक बार इस डिज़र्ट को इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये पुडिंग वास्तव में बहुत टेस्टी है, ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।